देश और प्रदेश समेत सीतापुर में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना का बम फूटा है सीतापुर में। यहां आज आधा सैकड़ा से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कितने मरीज मिले हैं और अब जिले में कितनी संख्या बढ़कर पहुंच गई है मरीजों की, पूरी जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के इंटर्न चीफ पंकज सिंह। और देखिए उदय, ये सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि दिनों दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज तो सीतापुर में अब तक जो केस मिल रहे थे उनमें जबरदस्त इजाफा हुआ है। 64 नए मरीज पाए गए हैं, ये बड़ी संख्या है जो एक दिन की संख्या है। और 64 नए मरीजों के मिलने के बाद ये संकेत है कि आगे चलकर मरीजों की संख्या यानी कोरोना केसों की संख्या और भी बढ़ सकती है। सबसे खास बात यह है कि जो 64 केस मिले हैं इनमें 35 महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनकी संख्या 29 है, यानी कि जो उल्टा हो गया, जो मेल हैं पुरुष हैं उनकी संख्या 35 है और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 29 है, यानी महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर होती जा रही है। और भी खास बात यह है कि इनमें 0 से 10 साल के एक बच्चा भी शामिल है और इसके अलावा 11 से 20 साल की उम्र के 7 लोग शामिल है और 21 से 35 साल की उम्र के 43 लोग और इसके अलावा 55 साल की उम्र के ऊपर के लोगों की संख्या 13 है। तो इस तरीके से ये संख्या है अब बढ़ती जा रही है। और एक खबर और दिल्ली से जो आई थी कल, वो बेहद चिंताजनक है खबर, क्योंकि पहली बार जो तीसरी लहर आई है उसमें 23 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में। तो पहला शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा था कि जो ये तीसरी लहर आ रही है इसमें कैजुअलिटीज कम होंगी और कैजुअलिटीज नहीं हो रही है ये भी कहा जा रहा था, लेकिन दिल्ली में 23 लोगों की तीसरी लहर में मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। तो ये कोई न समझे कि ये हल्का है और ये गंभीर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब संख्या करीब 200 के करीब पहुंच रही है। 115 मरीजों की संख्या कल ही हो गई थी और 64 मरीज और बढ़ गए हैं सीतापुर में। और सभी को पता है कि 1000 मरीज हो जाने के बाद बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे, आने वाले दिनों में कर्फ्यू जैसे हालात भी सूबे में पैदा हो सकते हैं। और नहीं तो 1000 मरीज होने के बाद कई प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधों के दौर से लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि अभी से सावधानी लोग बरतें और जो भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं उससे बचें। और इसके अलावा जो बाजार में लोग जा रहे हैं वो दुकानदार भी कोविड गाइडलाइन का पालन कराएं और जो खरीदारी करने जा रहे हैं वो भी कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि तेजी से अब जो है पांव पसार रहा है। ये हाल तब है जब अभी व्यापक पैमाने पर जांच नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग जांच कराने नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें हल्का उनको हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। संख्या इनकी ज्यादा है, लेकिन ये आज जो सूचना आई है वो बेहद चिंताजनक है। 64 मरीजों का एक दिन में सीतापुर में मिलना सीतापुर वासियों को सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरी लहर जैसे हालात न उत्पन्न होने दें। और नहीं तो सभी को पता था उस समय चिकित्सा सुविधा कैसी रही थी, लोगों के सामने कितनी परेशानियां आई थी। तो ऐसे हालात आप ही बचा सकते हैं। और खासकर आई इंडिया उन नेताओं से भी अपील कर रहा है जो अपनी चुनावी फसल काटने के लिए लोगों को मजबूर कर दे रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। रोक के बावजूद नेता जो है इस समय खुलेआम घूम रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थक और जनता भी उनके साथ जा रही है। वो बाजारों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में वहां खतरा और भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि स्कूल जब बंद हो चुके हैं ऐसे में अब ये जो भीड़ भाड़ है वो या तो बाजारों में है या नेताओं के संग है और वहीं से कोरोना फैलना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्थिति विस्फोटक होती जा रही दिन पर दिन और बेकाबू ना हो हालात, इसके लिए सबसे मजबूत हथियार सावधानी बरतना ही है। तो इंडिया की एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील है, आम जनमानस से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि
पहली और दूसरी लहर के तरीके से हालात बेकाबू ना होने पाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।